कहीं ना कहीं हर किसी को दोस्तों आज के टाइम में लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड चाहिए। रिसेंटली दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने एक न्यू क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है जिसका नाम है फर्स्ट लेक क्रेडिट कार्ड, जिसमें आपको यहाँ पे लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड मिल रहा है और इसमें अनलिमिटेड आपको यहाँ पे फीचर्स देखने को मिलेगा। इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं बताने वाला हूँ कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो फर्स्ट लेक क्रेडिट कार्ड है उसको कैसे अप्लाई कर लेना है, एलिजिबिलिटी क्या है, उसमें क्या क्या उसमें आपको डॉक्यूमेंटेशन देना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों का दिमाग में डाउट रहता है क्या सैलरी स्लिप या फिर से आपका बैंक स्टेटमेंट भी देना है, तो वो भी चीज यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। और साथ में दोस्तों लाइव प्रूफ में दिखाऊंगा कि इसमें फी आपको लाइफ टाइम यहाँ पे फ्री मिलने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई आप बताते हो कि लाइफ टाइम फ्री है लेकिन इसमें फ्री नहीं होता है, 499 599 जो भी इसका चार्जेस है देना पड़ता है। दोस्तों वीडियोस के ऊपर बने रहिएगा, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा, तो चलिए शुरू करता हूँ वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले करना क्या है दोस्तों, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, लिंक के ऊपर क्लिक करके इस वाले वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड फॉर दी सिलेक्ट फ्यू ऑल दी प्रीमियम फीचर्स प्लस ए फ्यू मोर। अब यहाँ पे कुछ कार्ड दोस्तों है इस तरीके से देखने को मिलेगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक फैम। और यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोग्रामिंग रिवॉर्डेड का अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ आपको बेहतरीन सा यहाँ पे लुक देखने को मिल रहा है। साथ में आपका रिवॉर्डेड के बाद अनलिमिटेड रिवॉर्डेड पॉइंट नेवर एक्सपायर। मैं होता क्या कि बहुत सारे क्रेडिट कार्ड में कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं जिसका 3 मंथ 6 मंथ के बाद उसका वैलिडिटी जो है एक्सपायर कर जाता है। यहाँ पर दोस्तों कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, कोई भी आपको पॉइंट मिलता है उसको रिडीम करने के लिए, ये सबसे कमाल की चीज है, तो ये मेरे को काफी ज्यादा कमाल का। साथ में दोस्तों अगर इसमें आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे ज्वाइनिंग लेते हो तो आपको देख सकते हो वेलकम वाउचर जो है 500 का यहाँ पे मिलने वाला है अगर आप 15,000 रुपये ज्यादा अगर 90 दिन के अंदर स्पेंड करते हो तो। साथ में आपका 5% का कैशबैक मिलेगा अगर 90 दिन के अंदर आप कोई भी EMI अगर यहाँ से ट्रांजेक्शन करते हो तो, ठीक है। तो ये कुछ ज्यादा इसका यूनिक है। और साथ में अगर यहाँ पे बेनिफिट प्रिविलेज का बात कर सकते हो, अगर यहाँ पे फी एंड चार्जेस का दोस्तों अगर बात करूँ तो फी एंड चार्जेस के अंदर देख सकते हो लो ऑन चार्ज हाई ऑन बेनिफिट्स। यहाँ पे लाइफ टाइम फ्री आपको सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड मिलने वाला है, कोई भी आपको जो रिडीम फी होता है वो नील है। साथ में दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट जो है 0.75% से लेकर 3% पर मंथ का है, यानी 9% से लेकर 42% तक आपको पर एनम देना पड़ जाएगा, यानी कि ज्यादातर होता है 9 to 11 एनम जिसका चार्जेस है लोग लगता है, ठीक है। ओवरड्यूज का अगर बात करें यानी कि अगर आप ओवर लिमिट से ओवर यूज करते हो तो 2.5% का आपको यहाँ पे चार्जेस देना पड़ जाएगा। फॉरेक्स अगर मार्केट पर बात करूँ तो यहाँ पे 1.99% आपको यहाँ पे लगने वाला है। और लेट पेमेंट का अगर दोस्तों बात करूँ तो आपको यहाँ पे 15% देना पड़ेगा जो भी आपका अमाउंट ड्यूज है। उसके साथ साथ दोस्तों आपको इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक कैश एडवांस फी जो है 250 रुपया लगेगा एक बार अगर आप यहाँ पे इंटरनेशनल में अगर कैश फी अगर निकालते हो तो ये सारी चीज़ें इसका हाइलाइटेड इसका पॉइंट्स है जो कि आप सभी को जानना चाहिए, नहीं तो बाद में बोलूँगा भाई कि मेरे लिए है कि नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का अगर दोस्तों बात करूँ तो आपका जो एज है 21 ईयर से लेकर आपका अबव होना चाहिए और आगे जितना भी हो जाए। आप अक्सर देखने को मिलता है कि 50 से लेकर 60 के बीच में जो बिजनेसमैन होते हैं उनका 57 तक होता है। उसके पास यहाँ पे इंडियन होना चाहिए, ठीक है। और साथ में दोस्तों क्रेडिट ब्यूरो जो हिस्ट्री है उसका जो गुड क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। अब गुड कितना होता है वो चीज मैं आपको बताता हूँ। गुड यहाँ पे अगर आप डालता हूँ देख सकते हो यहाँ पे जो 7 से लेकर और 7 से 49 के बीच होना चाहिए, तो आपका यहाँ पे गुड सिविल स्कोर है, तो ये सारी चीज़ें होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो इनकम एलिजिबिलिटी, बहुत सारे लोगों के साथ कन्फ्यूजन होता है कि भाई मेरा इनकम क्या होना चाहिए, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एज पर एप्लीकेबल डिफरेंट कार्ड वेरियंट्स ऑफर्ड बाई IDFC बैंक, यानी कि अगर आपका पहले से कार्ड है उस बिहार पे मिल जाएगा, दूसरा कार्ड यूज़ करते हो क्रेडिट कार्ड वगैरह उसके बिहार पे भी मिल जाएगा। साथ में मिनिमम नेट मंथली इनकम जो है 25,000 होना चाहिए तो इजिली आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर से अगर आपका मंथली इनकम नहीं है और आप ट्रांजेक्शन वगैरह करते हो, मतलब घर से पेमेंट वगैरह आता है या किसी तरीके से आप मंथ का 20,000-25,000 तक आप कर लेते हो तो इजिली आप अप्लाई कर सकते हो, चांसेस ज़्यादा है यहाँ पे अप्रूवल मिलने का। और कुछ यहाँ पे हाईलाइटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ पे पूछा गया कि कोई भी ज्वाइनिंग फी मेंबरशिप एनुअल फीस जो है IDFC फर्स्ट बैंक का यहाँ पे देना पड़ेगा, तो यहाँ बोला कि कोई भी आपको यहाँ पे पेमेंट जो है दोस्तों नहीं लगने वाला है, ना ज्वाइनिंग फी ना मेंबरशिप के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे टॉप पे आएंगे और अप्लाई का ऑप्शन है, सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना है। ध्यान से देखिएगा, एक एक स्टेप यहाँ पे बताऊंगा। यहाँ पे आप कुछ इसका टॉप रीजंस व्हाई कस्टमर्स लव दिस क्रेडिट कार्ड, यहाँ पे आप देखा लाइफ टाइम फ्री है, सुपर सेवर है, 10x रिवॉर्डेड आपको मिलने वाला है, इंटरेस्ट फ्री ATM विड्रॉल 48 डेज तक मिलने वाला है, यानी कि 48 दिन के अंदर आप कितना भी ATM से विड्रॉल करते हो तो कोई भी आपको चार्ज यहाँ पे देने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपली अपना दोस्तों यहाँ पे अपना आधार कार्ड के ऊपर जो भी नाम है वो डालेंगे, साथ में अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, मोबाइल नंबर डालकर गेट OTP के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। OTP के ऊपर दोस्तों क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक OTP आएगा जो कि IDFC बैंक की तरफ से आता है और यहाँ पर डालेंगे। टर्म एंड कंडीशन के ऊपर यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और प्रोसीड के ऊपर दोस्तों क्लिक कर देना है। नेक्स्ट जो पेज है दोस्तों ये कुछ इस तरीके से आपके सामने ओपन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे फ्यू मोर डिटेल्स टू अनलॉक योर ऑफर, यानी कि आपका यहाँ पे ऑफर शो होगा कब। अब यहाँ पे अपना जो पेन डिटेल्स है, अपना करंट एड्रेस जो है, पिन कोड डालोगे तो आपके
ऑफर के हिसाब से यानी आपके सिविल बेसिस पे आपको यहाँ पे ऑफर शो होगा, ठीक है। बहुत सारे लोग के साथ होता है, बहुत सारे लोग के साथ नहीं होता है। अगर ऑफर एक बार शो करने स्टार्ट कर दिया तो आप आधा भी एप्लीकेशन को यहाँ पे फिलअप करके आप छोड़ देते हो तो क्रेडिट वाले जो है आपको फ़ोन कर करके आपको क्रेडिट कार्ड जो है आपको प्रोवाइड कराएंगे। उधर से खुद फ़ोन करेंगे, भाई आपने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया था, आपने हाफ़ी किया है, आप लाइन पे रहो या ऐसे ऐसे करो, आपका मैं यहाँ से प्रोसेस कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि उनका भी यहाँ पे कमीशन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना सारा चीज़ यहाँ पे डालेंगे, पेन नंबर, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, अपना डिटेल सेलेक्ट करेंगे, अपना पिन कोड डालेंगे और प्रोसीड के ऊपर दोस्तों क्लिक कर देना है। प्रोसीड के ऊपर दोस्तों क्लिक करने के बाद यहाँ पे योर कस्टमाइज ऑफर जस्ट ए स्टेप वे, अब सिंपली आपका यहाँ पे कुछ ऑक्यूपेशन पूछेगा। बहुत सारे लोग साथ कंफ्यूजन होता है या फिर से बहुत सारे लोग जो सोचते हैं बोलते हैं कि भाई मेरे को अभी तक नहीं मिला या फिर से हम ऑक्यूपेशन में क्या डाले, मेरे पास कोई जॉब नहीं है, तो उन बंदों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे, सेलराइट है, सेल्फ एम्प्लॉयड है और प्रोफेशनल है, तो सेलराइट कंपनी की तरफ से आता है कोई पेमेंट वगैरह या फिर से आप रिसीविंग करते हो, 15-20 हज़ार भी करते हो तो इजीली आप यहाँ पे सेलराइट सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर से आपका कोई शॉप है, दुकान वगैरह है और आप चाहते हो कि मुझे या फिर से आपके पास कोई भी इनकम प्रूफ नहीं है, ठीक है, और आपके अकाउंट के अंदर ट्रांजेक्शन होता है तो सिंपली सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करेंगे। कंपनी का नाम आप यहाँ पर डाल सकते हो, अगर आपका फ्रूट वगैरह का शॉप वगैरह है वो डाल सकते हो, वेजिटेबल का शॉप है वो अपने नाम से डाल सकते हो, या फिर से कंपनी कोई भी नहीं है तो आप यहाँ पर सिंपली अपना नाम डाल सकते हो, ठीक है। साथ में दोस्तों यहाँ पर नेट मंथली टेक होम, अपना जो मंथली इनकम है वो कितना आपका आ जाता है वो चीज़ यहाँ पर डालना है। उसके साथ साथ दोस्तों पूरा है ऑलरेडी है क्रेडिट कार्ड, तो अगर है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे जो बैंक है यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे, अगर नहीं है इसमें से क्रेडिट कार्ड तो सिंपली यहाँ से डिसेबल कर देना है, ठीक है। उसके बाद सिंपली दोस्तों कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे फाइंडिंग ऑफर किया जा रहा है, साथ में आपका जो सिविल जो है आपका सिविल ब्यूरो की तरफ से आपका यहाँ पे रीडायरेक्ट किया जाता है कि भाई आपका सिविल जो है कितना है। बहुत सारे लोग सोचते हैं भाई कि ऑनलाइन कैसे पता चलेगा, तो वो सारा चीज़ जो है ऑटोमेटिक वहाँ से वो फिक्स, आपका जो डाटा है आपके डिटेल्स के हिसाब से वो फिक्स कर लेता है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ऑफर जो है फाइंड किया जा रहा है, हो सकता है कि मिले या फिर से हो सकता है कि नहीं भी मिल सकता है, बहुत सारे लोगों के पास अगर मिल जाता है तो इजिली दोस्तों यहाँ पे आप यहीं से आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड जो है बोल रहा है कि अभी आपका नहीं है, लेकिन आपका जो डोंट वरी यू विल ओपनिंग न्यू सेगमेंट सून एंड यू विल रीच आउट राइट ऑफर फॉर यू, और एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे दे दिया, ठीक है। तो बस आपको वेट कर लेना है, 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपका कस्टमर केयर की तरफ से कॉल आएगा और जो भी आपका डिटेल्स है पूछा जाएगा, और वहाँ पे अगर आप वेरीफाई करवा लेते हो तो होता क्या है कि वहाँ पे जब एक्सेप्ट कर लेंगे एक बार तो आपको मेल आईडी के जरिए आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, साथ में आपका 3 मंथ का स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें आपको अपलोड मेल के जरिए भेजना पड़ेगा। और इजली दोस्तों है आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका एड्रेस वेरीफिकेशन होता है ये कंप्लीट होगा, उसके बाद से आपका क्रेडिट कार्ड बन के आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड इस तरीके से आप आसानी के साथ IDFC फर्स्ट बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है न्यू वाला उसको अप्लाई कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नया चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसे बेस्ट कंटेंट मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।